जो हमारे उपाध्यक्ष जी अपने पद से मुक्त हुए, मुक्त हो गए, बस यही कहना चाहते हैं। बस उनसे ऑफिस को उन्होंने एक पार्टी विशेष का अड्डा बना दिया था, पार्टी विशेष का। हाँ, बस इस बात से थोड़ी खिन्नता थी। मतलब सरस्वती पुत्र पे लक्ष्मी पुत्र हावी हो चुका है, इसी का ये खेल है, और अच्छा काम हम कर रहे थे इसलिए हमको हटाया गया। तो आप भी तो सुनने में आया कि आपको भी उपाध्यक्ष बनना था इस बार के रेस। कुछ सदस्य जो मेरे साथ थे एकाएक उधर चले गए हैं, कुछ सदस्य जैसे अभी नंदलाल भाई के साथ था, ये थे, ये मेरे साथ आ गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पलटा पलटी सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं करते हैं, आप लोग भी करते हैं। दोनों दल तो वही है। अभी तो लड़ाई चालू हुआ है, अभी तो हम पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, ऐसे छोड़ छोड़ देंगे। कुछ 19 में जो अपने थे वो भी चिन्हित हो जाएंगे। सब लोग मेरे हैं और मेरे रहेंगे। खेल में कभी घन घना, कभी मुट्ठी में चना, कभी उसमें भी मना। अभी जो है खेला हो गया, खेला अभी बहुत बचा हुआ है। पिछले बार आप भी खड़ा होना चाहते थे, तो क्या इस बार फिर मन है, विचलित कर रहा है खड़ा होने का? जो साज रचे हैं वो आपको पता चल जाएगा। जो साज रचा भीतर घात किया है लक्ष्मी के हावी करके, लक्ष्मी का जवाब लक्ष्मी से भी दिया जाएगा, और छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। और ये बेगूसराय की धरती है, अति पिछड़ा का बेटा बोल रहा है। अति पिछड़ा जिधर जाएगा उधर काम होगा, और अति पिछड़ा के साथ अन्याय किया गया है, इसलिए हम अति पिछड़ा सब एकजुट होकर के उसे छोड़ेंगे नहीं। प्रवीण शेखर जी हैं यहाँ पर, जिला परिषद है, क्या कहना चाहेंगे? आज उपाध्यक्ष नंदलाल राय जी जो है बहुमत साबित नहीं कर पाए। देखिए, हम 7 लोगों ने इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था। नंदलाल भाई से व्यक्तिगत मुझे कोई परेशानी कभी भी नहीं रही, लेकिन जिस तरह से ऑफिस को उन्होंने एक पार्टी विशेष का अड्डा बना दिया था, पार्टी विशेष का, हाँ, बस इस बात से थोड़ी खिन्नता थी। और वो खिन्नता जो है वो भारी पड़ गई आज उन पे। तो आप भी तो सुनने में आया कि आपको भी उपाध्यक्ष बनना था इस बार के रेस में, सुनने में आया। अच्छा, देखते हैं आगे। देखिए, आप अपने संख्या बल लेकर आएंगे क्या? देखिए आगे क्या होता है, क्या होता है। हाँ, ये देखिए, हमारे मनमोहन भाई हैं, जिला परिषद बछवाड़ा। अच्छा, कौन सा है आपका? तेघरा अनुमंडल में हम 8 जिला परिषद एकजुट हैं। तेघरा में चाहिए उपाध्यक्ष की कुर्सी। तेघरा में? आप तेघरा अनुमंडल में? तेघरा आपका कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र संख्या 2 बछवाड़ा। तो आप नंदलाल जी के पक्ष में है कि विरोध में? पक्ष में थे, अभी तक तो 100% पक्ष में थे। पक्ष में थे आप? बाहर थे, हम लोग 12 सदस्य जो है सो उनके पक्ष में बाहर थे, 4 सदस्य उनके साथ अंदर था, 16 हुआ है। आगे अब क्या रणनीति बनता है, कब वोटिंग का डेट दिया जाता है। और कुछ सदस्य जो मेरे साथ थे एकाएक उधर चले गए हैं। कुछ सदस्य जैसे अभी नंदलाल भाई के साथ था, ये थे, ये मेरे साथ आ गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पलटा पलटी सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं करते हैं, आप लोग भी करते हैं। दोनों दल तो वही है, भाजपा और जदयू का गठबंधन ही वैसा है। जी, जल्दी देखिएगा हम दोनों भाई एक प्लेटफॉर्म पे नजर आएंगे। बाहर निकले हुए हैं, चंदन जी मौजूद है। पिछले बार जिला परिषद उपाध्यक्ष के रेस में थे। चंदन जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या सब हो गया? राजनीति में उठा पटक होते रहता है। अभी किसको पटक गया है? अरे, पटकती जनता है यहाँ। पटक क्या बोलते हैं? तो आप लोग हैं ना, आप लोग के वोट से उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष हम लोग के वोट से बनते हैं। तो आज वोटिंग हुआ था, आज तो अविश्वास था, उस पर चर्चा थी, उसके बाद वोटिंग हुआ। वोटिंग में 23 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें 19 मत क्या बोलते हो अविश्वास के पक्ष में आया, और 4 मत अविश्वास के विपक्ष में आया। मतलब सीधा से बात करें, किसके पक्ष में 19 को आया? आज क्या बोलते हैं, जो हमारे उपाध्यक्ष जी अपने पद से मुक्त हुए, मुक्त हो गए, बस यही कहना चाहते हैं। बस 19 किसको वोट मिला? उनके विरोध में, विरोध में मिला। हाँ, सिर्फ 4 गो उनके इसमें 23 सदस्य उपस्थित है उनके पक्ष में ही। जो सदस्य अनुपस्थित हैं तो संविधान सम्मत है, जो उनके पक्ष में ही समझा जाएगा उनको, अनुपस्थित सदस्यों को। क्या पिछले बार आप भी खड़ा होना चाहते थे, तो क्या इस बार फिर मन है, विचलित कर रहा है खड़ा होने का? अब ये भविष्य के गर्भ में है। अच्छा, भविष्य के गर्भ में। आप भी जिला परिषद हैं क्या? नहीं, हमारे मुखिया जी हैं। अच्छा, मुखिया जी। हाँ, इनसे तो बात कर लिया। हम लोग इनके समर्थक में आए हैं। अच्छा, भाई जीत हुआ है तो मिठाई खिलाने के लिए आए हम लोग। अच्छा, सामहो से। हाँ, इनको बनाना चाहते हैं क्या? हाँ, बनाना चाहते नहीं, बना दिए। हाँ, अब मिठाई खाएंगे खूब, 2 साल 2.5 साल और क्या, करर से। अच्छा, करर से। हाँ, के मुखिया हैं हम, सामहो प्रखंड के अकबरपुर बड़ारी पंचायत के मुखिया। देखो है, नंदलाल जी यहाँ पर मौजूद है, और देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो है समर्थक खड़े हैं यहाँ नंदलाल जी को घेर के, और यहाँ पर अभी बाहर निकले हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से माहौल है। यहाँ पर जो अपने हैं वो भी चुनाव के घड़ी जो है पड़ाए हो जाते हैं। यहाँ पर
नंदलाल जी एक मिनट, मारवीश नंदलाल जी हैं, उपाध्यक्ष हैं और थे, और इनके क्या कहना चाहेंगे? देख सकते हैं कि फ्लो टेस्ट हुआ यहाँ पर और बहुमत जो है आप साबित नहीं कर पाए। देखिए ऐसा कुछ बात नहीं है, हमारे कुछ सदस्य नहीं आ पाए और हम सदस्य के वोट से जीते थे, सदस्य मेरे साथ थे, अभी भी सदस्य मेरे साथ हैं और फिर ये लड़ाई हम जीतेंगे। 23 सदस्य अंदर में गए थे, 19 सदस्य जो है आपके विरोध में खड़े हुए, 4 आपके पक्ष में आए। ये तो राजनीति है, राजनीति है, यहाँ कुछ और भी बातें हुई है। यहाँ मतलब सरस्वती पुत्र पे लक्ष्मी पुत्र हावी हो चुका है, इसी का ये खेल है। और अच्छा काम हम कर रहे थे इसलिए हमको हटाया गया और हम फिर जीतेंगे। देखिए काम को लेकर ये लोग नहीं कहना चाहते, बार बार हम लगभग 10 दिन से 15 दिन से सुन रहे हैं कि आपको एक शब्द ये लोग कह रहे हैं कि आप जो है अपने पार्टी के लोगों को ऑफिस में बैठाते हैं, पार्टी खाना बना के रख दिए थे, ये क्या मैसेज है ये लोग का? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग को बोलने का है, हम सब दल के साथ हैं, सब दल मेरे ऑफिस में आते हैं, सब लोगों से हम मिलते हैं। कोई भी नेता हमारा विरोध कर दे कि हम उनको सम्मान नहीं दिए हैं, कोई भी आते हैं सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये उनका अपना सोच है कि हम सिर्फ जदयू के साथ हैं। ऐसा आप देख सकते हैं बेगूसराय में ढेरों कार्यक्रम हुआ है, जो भाजपा का है या राजद का है या कोई भी दल का कार्यक्रम है, उसमें हम शामिल होने का काम किया है और हम सब दल के साथ रहते हैं। तो अभी आपका मतलब बाकी है अभी जो मेन? हाँ अभी तो लड़ाई चालू हुआ है, अभी तो हम पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो कुछ 19 में जो अपने थे वो भी चिन्हित हो जाएंगे? सब लोग मेरे हैं और मेरे रहेंगे। चलिए देख सकते हैं क्या कहेंगे कुछ हाँ कुछ बिचौलिया लोगों के जो चाल वर्ष बिचौलिया को हम चना चबाएंगे और छाती पे चढ़ के राजनीति करेंगे और चढ़ के राजनीति करेंगे और उपाध्यक्ष बन के रहेंगे। हाँ जो साजिश रचा साजिश करता को साजिश रच रहा जो साजिश रचे हैं वो आपको पता चल जाएगा, जो साजिश रचा भीतर भीतर घात किया है लक्ष्मी के हावी करके, लक्ष्मी का जवाब लक्ष्मी से भी दिया जाएगा और छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। और ये बेगूसराय की धरती है, अति पिछड़ा का बेटा बोल रहा है, अति पिछड़ा जिधर जाएगा उधर काम होगा और अति पिछड़ा के साथ अन्याय किया गया है, इसलिए हम अति पिछड़ा आप सब एकजुट होकर के उसे छोड़ेंगे नहीं और पछाड़ेंगे और दमदार से पछाड़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो है इनका कहना है कि हमने जो कार्यकाल में अपने जो काम किए हैं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये तो अब जो है परिणाम जो फिर जब आएगा, जब इलेक्शन फिर इनका होगा तब देखा जाएगा। लेकिन नंदलाल राय जी ने कहा है कि अभी भी हम हारे नहीं हैं, हमारे पास अभी भी समर्थन है, हम जो है साबित करेंगे। तो यहाँ पर जो है कहना भी सही है कि पलटा पलटी चलते रहता है, कुछ लोग जो अंदर वोट दिए हैं बाहर आके फिर जो है दूसरे को वोट देने के उनके साथ की बात कर रहे हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि राजनीति अनिश्चितता का खेल है और इस खेल में कभी घन घना, कभी मुट्ठी में चना, कभी उसमें भी मना, लेकिन जो लड़ने वाला है वो अंतिम दम तक लड़ेगा और जब निर्णय होगा उस दिन हम हार या जीत मानेंगे। अभी कोई हार जीत कोई बात नहीं है, अभी ये तो बोल के गए अभी, अभी अभी जो है खेला हो गया, खेला खेला अभी बहुत बचा हुआ है, समझे ना, खेला के लिए बहुत बातें और होंगी। अभी तत्काल वह सीट में ताला लग गया है, ताला खुलेगा उस दिन जिस दिन फिर चुनाव होगा और चुनाव के वक्त जब उसका सही सही मूल्यांकन होगा, चुनाव होगा।